हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल रॉयल एनफील्ड लवर्स पे। और आज हम बात करने वाले रॉयल एनफील्ड बुबर 830 की, जो कि इंडिया में लॉन्च होने वाली है बहुत ही जल्द। तो बेसिकली जो ये जो बुबर 836 cc की जो आ रही है, ये एक बुबर बॉडी की बाइक है जो कि सिंगल सीट बाइक है। बात की जाए इसके फ्यूल की, तो इसमें हम फ्यू पेट्रोल ही मिलता है जैसे और जनरली रॉयल एनफील्ड की बाइक्स में मिलता है। प्राइस की बात की जाए तो इसमें अप्रॉक्स 5 लाख प्राइस की एस्टिमेशन आ रही है इंडिया में। कलर शेड्स इसमें केवल एक ही आएगा, वो है बॉटल ग्रीन, और जो इसका बॉटल ग्रीन के साथ मिक्सअप रहेगा वो रहेगा ग्रे और ऑरेंज का। ऑरेंज का केवल आपको बाइक में जो इनबिल्ट रॉयल एनफील्ड टैंक पे आपको मिलेगा वही रहेगा, और बाइक के टैंक पे आपको एक स्ट्रिपिंग मिलेगी जो कि बाइक को बहुत अच्छा अट्रैक्टिव लुक देती है। और बात की जाए इसके इंजन की, तो बहुत ही हैवी इंजन लगा रहता है 838 cc का, और ये वी ट्विन इंजन होता है। फ्यूल सिस्टम इसमें इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन मिल जाता है विद लिक्विड कूलिंग के साथ, जो कि बाइक में ओवरहीटिंग को प्रिवेंट करता है, जैसा कि स्टैंडर्ड में ओवरहीटिंग बहुत ज़्यादा होती है। मैक्सिमम पावर की बात की जाए तो इसमें 90 hp का पावर है, जो कि नॉर्मल रॉयल एनफील्ड की बाइक से बहुत ही ज़्यादा है। टॉर्क इसमें मिल जाता है हमें 100 Nm का टॉर्क, जो कि बाइक जो पिकअप होता है वो बहुत अच्छे तरीके से बढ़ाता है। और ये इसका जो इंजन है वो है 2 सिलेंडर इंजन, V6 इंजन है। ये जल्दी ही लॉन्च होने वाला है इंडिया में, और स्ट्रोक मिल जाती है इसमें 830.4 की जाए इसके ब्रेकिंग सिस्टम की, तो इसमें हमें फ्रंट में ट्विन डिस्क मिल जाता है, 2 डिस्क दोनों साइड पे एक एक डिस्क मिल जाते हैं हमें, डिस्क ब्रेक विथ 2 चैनल ABS। और रेयर ब्रेक की बात की जाए पीछे वाले टायर्स की, तो हमें इसमें सिंगल डिस्क ही मिलता है जैसा कि और रॉयल एनफील्ड बाइक्स में मिल जाता है, वो भी ABS ही रहेगा। बात की जाए इसके टायर्स की, तो टायर्स जो इसमें आते हैं वो 19 इंच के टायर होते हैं, बहुत ही ब्रॉड टायर और एक्स्ट्रा ग्रिपिंग के साथ आ रहे हैं। और इसका फ्रंट शॉकर है, फ्रंट शॉकर का जो लुक है वो हल्का सा डिफरेंट है और सब बाइक्स में, और सब बाइक्स में इस तरह का शॉकर नहीं आता है। आप जो लुक देखेंगे बहुत ही कूल लुक होता है, वो बाइक को अट्रैक्टिव भी बनाता है। हैंडल बार्स की बात की जाए तो ब्रॉड हैंडल बार्स हैं, और इसकी विड्थ बहुत ही ज़्यादा है और सब बाइक के कंपेरिजन्स में। और जो LEDs यूज़ की गई है इसमें पूरी बाइक में, वो सब लाइट्स ओवरऑल आ जाएगी।